हाय फ्रेंड, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी पोटैटो एग और सोयाबीन की सब्जी। पहले मैं एग और पोटैटो एक कुकर में एक सीटी दे दी। देखिए, एक सीटी के बाद मेरा टेक्सचर ऐसा हुआ है। उसके बाद एक साइड में मैं सोयाबीन बॉयल करके रखी हूँ, थोड़ा सा नमक देके। ये मेरा फर्स्ट हाफ हो गया। अभी मैं आप लोग को दिखाती हूँ आलू, सोयाबीन और एग करी, आप देखते जाइए। अभी मैंने पोटैटो और एग को पील कर लिया। अभी इसमें अभी छोटा छोटा कट लगा रहा हूँ। अभी इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार और थोड़ा सा आप स्किप भी कर सकते हो, रेड मिर्च पाउडर डाल के एक साथ मिक्स कर लीजिए। मतलब इसको एक साथ इसको मैरिनेट कर लीजिए, उसके बाद इसको हटा लीजिए। अभी इसमें कढ़ाई बैठा दीजिए। कढ़ाई थोड़ा सा गर्म हो गया है, अभी मैं ऑयल डाल देती हूँ। ऑयल थोड़ा सा गर्म होने के बाद एग और पोटैटो फ्राई करना पड़ेगा। ऑयल गर्म हो गया है, अभी मैं इसमें पहले एग फ्राई कर लेती हूँ। इसके बाद साइड साइड में आलू भी डाल देती हूँ, एक तरह आलू और एग फ्राई हो जाएगा। तब तक मैं फ्राई होते होते तब तक मैं मसाला रेडी कर लेती हूँ। देखिए, मेरा मसाला रेडी हो गया है। इसमें है अदरक, लहसुन, प्याज और एक चम्मच जीरा पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक साथ करके मैं मिक्सी में ग्राइंड कर लिया हूँ। अभी इसमें मैं डालती हूँ कश्मीरी रेड मिर्च, ये ऑप्शनल है, थोड़ा सा कलर के लिए मैंने डाल दिया। अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। एग और पोटैटो फ्राई हो गया है, अभी मैं इसको निकाल लेती हूँ। देखिए, मैंने निकाल लिया एक प्लेट में, साइड में रख देती हूँ। अभी इसमें जाएगा जो मैं सोयाबीन रखी थी, उसको निचोड़ के रखी थी, वो अभी इसको इसमें फ्राई कर लेती हूँ। अभी मेरा सोयाबीन फ्राई हो गया है, मैं इसको निकाल लेती हूँ। मैंने सोयाबीन निकाल लिया, जिसमें एक प्लेट में रखी थी उसमें ही सोयाबीन निकाल लिया। अभी मैं फिर से वही कढ़ाई ओवन के ऊपर बैठा दी हूँ। उसके बाद में मैं इसमें ऑयल डालूँगी। बस मैं इसमें डालूंगी गोटा जीरा, और एक सूखा मिर्च का पसंद अनुसार आप डाल सकते हो, जो जितना तीखा खाता है। इसके बाद इस जब थोड़ा सा चटपट करने लगेगा, इसमें आप डाल दीजिए तेज पत्ता, कटा हुआ प्याज, ऑनियन, इसको अच्छे से फ्राई करना पड़ेगा।
थोड़ा थोड़ा ब्राउन ब्राउन हो गया। मेरा प्याज हो गया है, अभी जो मसाला रेडी करके रखी थी वो मैं डाल देती हूँ। ये अच्छे से अभी इसको फ्राई करना है। अभी मैं इसमें थोड़ा सा हल्दी और स्वाद अनुसार नमक डाल देती हूँ। पहले भी नमक डाला हुआ है, इसको मिक्स कर लेती हूँ। अब इसको फ्राई करना पड़ेगा। मेरा मसाला हो गया है, अभी इसके इसमें जाएगा जो मैं फ्राई करके रखी थी एक साथ, इसमें जाएगा। अभी मसाला मिक्स करके देखिए मिक्स हो गया अच्छे से। थोड़ा सा गर्म पानी करके रखी थी वो मैं डाल देती हूँ। ये थोड़ा मैं झोल बनाऊंगी आज राइस के साथ खाने के लिए। मैं पूरा पानी, थोड़ा सा गर्म है पानी, डाल दिया। अभी इसको मैं कवर कर दूंगी 5 या 6 मिनट तक। मेरा सब्जी रेडी हो गया है, अभी मैं इसमें छोटा एक चम्मच नींबू डाल देती हूँ। ये ऑप्शनल है, आपका आप स्किप कर सकते हो। थोड़ा सा नींबू मैंने डाल दिया, छोटा एक चम्मच, छोटा टीस्पून, और इसमें गरम मसाला डाल के मैं एक बाउल में निकाल लेती हूँ। एक से डेढ़ चम्मच गरम मसाला मैंने डाल दिया। अभी मैं बाउल में निकाल लेती हूँ। मेरा करी रेडी हो गया है, मेरा सब्जी बनके रेडी हो गया है। मैं चावल के साथ खाऊंगी तो इसीलिए थोड़ा सा पानी में मतलब झोल रखी हूँ। अब रोटी के साथ खाएंगे तो उसको थोड़ा आप पानी थोड़ा और भी सुखा ले सकते हैं। आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।